तीर्थ का फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल कै कबीर विचार। जिन्हां नूं सतगुरु मिले आ फिर आओ उन्हां दी जीवनी सरण करिए। सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा निधान सिंह साहिब जी की जीवनी कहण दा बल बख्शो, आग्ञा बख्शो गुरदेव जी सार संत गुरु साहिब जी बोले सम्मत 1882 ईस्वी नूं रब्बी जोत मडालो विच होई प्रगट। पिता उत्तम सिंह जी ने ग्रह विखे मां गुलाब कौर दी कुख तों होई प्रगट। चुप रहे ने चरना ते आण के ते नाले देव ते फुल बरसार ली। सच खंड दी धरत हजूर साहब ते वड्डा लंगर जो बाबे चला रहे नी। संमत 1882 ईस्वी नूं रब्बी जोत नडालो विच होई प्रगट। पिता उत्तम सिंह जी दे ग्रह विखे मां गुलाब कौर दी कुख तों होई प्रगट। चोक रहे ने चरना ते आण के ते नाले देव ते फुल बरसार नी। सच खंड दी धरत हजूर साहब ते वड्डा लंगर जो बाबे चला रहे नी। छोटी उम्र विच रबी लगन लगी रहिंदे मस्त किसे नाल बोलदे नी। महंगे सौदे दे वपारी कचड़ी माल वाली जड़े खने अगे आप खोलदे नहीं। बाबा दीवान सिंह जी उस्ताद मिल पै सेवा सिमरन विच इन्ना नूं लारनी। सच खंड दी धरत हजूर साहब ते वड्डा लंगर जो बाबे चला रहे नी। 18 साल दी उम्र विच ये जोत झांसी शहर जा फौज विच होई भर्ती। झूठी नौकरी विच ना मन लगे थोड़े चिरां दे बाद ही लाई वर्दी। छड नौकरी ना लेर दे वल तुर पै कठिन रस्ता पैदा मुकारनी। सच खंड दी धरत हजूर साहब ते वड्डा लंगर जो बाबे चला रहनी। सच खंड श्री हजूर साहब आके हजूर साहब आके विच सेवा
खुशी हुई बाबे नदान सिंह नूं जिवें लाट चो पतंगे नूं मौत मिल जे नीला घोड़ा ते हाथ ते बाज सोना नूरी मुखड़ा देख खुशे पारेगी सच खंड दी तरत हजूर साहब ते वड्डा लंगर जो बाबे चला जो उन्होंने नंदेड़ विखे पहुंच के गुरु घर की तरफ से पातशाह दी रहमत